हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ कुकिंग टिप्स जो आपके किचन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, आपका समय बचाएंगी, पैसा बचाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये टिप्स एंड ट्रिक्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। आज की फर्स्ट टिप में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप गाजर के हलवे को कैसे बहुत ही इजी तरीके से और फास्ट बना सकते हो। जब भी हम गाजर का हलवा बनाते हैं, गाजर का हलवा बनाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता है, उससे ज़्यादा भी कई बार लग जाता है। बट यहाँ पर जो मैं हलवा बना रही हूँ उसमें आपको 30 मिनट से 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जितना भी गाजर आपको लेना है, मैंने 2 kg लिया है, उसे ग्रेट करके एक कुकर में थोड़े से घी के साथ पहले हल्का सा भूना है, फिर उसमें डाल दिया 1 गिलास पानी और 2 विसल इसमें आने दी हैं। 2 विसल आने के बाद गाजर का हलवा इस तरह का हो गया है, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है ये। इसके बाद जितना भी इसमें पानी था उसे हम सुखा लेंगे। तो इसमें भी आप तेज़ आँच रखें और कंटिन्यूसली चलाते रहें तो 5 से 10 मिनट लगने वाले हैं जस्ट इसको पूरा ड्राई होने में। जैसे ही ये हल्का सा ड्राई हो जाता है इसमें हम डाल देंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क में मिठास भी है, साथ में मिल्क भी कंडेंस फॉर्म में है, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल्क डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीनी भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको अच्छे से कढ़ा लेंगे। जब ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे आज का स्टार इंग्रेडिएंट जो कि मावे को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पर इसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, एक बड़ा बोल भर कर, यानी कि 300 ग्राम के आसपास ये मिल्क पाउडर है जो मैंने इसमें ऐड किया है। और इस मिल्क पाउडर की वजह से ये बहुत जल्दी थिक भी हो जाएगा, साथ में इसका टेक्सचर बिल्कुल मार्केट जैसे गाजर के हलवे की तरह आएगा, जिसमें मावे की तरह ये मिल्क पाउडर एक्ट करेगा। अब बस यहाँ पे जो पानी है उसे हमें सुखाना है और उसके बाद हम सर्व कर सकते हैं इसे ड्राई फ्रूट के साथ में। इस टिप के थ्रू मैंने आपके साथ पूरा प्रोसीजर ही शेयर कर दिया है ताकि आपको ईजी रहे समझने में, और इस मेथड से आप बनाकर देखें, आपको बिल्कुल कम टाइम में आपका गाजर का हलवा रेडी हो जाएगा। टिप नंबर 2, मखाना बहुत ही हेल्दी होता है और हमें खाना भी चाहिए। रेगुलर बेसिस पे भी हम अपने स्नैकिंग के लिए मखानों का यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हल्का सा रोस्ट करके फास्ट में, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। तो अगर आप बहुत ही कम घी में मखानों को रोस्ट करना चाहते हैं साथ ही क्विक वे में, तो उसके लिए आप एक माइक्रोवेव सेफ बोल में थोड़े से मखाने ले लें और उसमें जस्ट नाम के लिए हल्का सा घी ऐड कर दें और फिर आप इसको 2 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव कर लें। आप देखेंगे कि आपके जो मखाने हैं वो बहुत ही क्रिस्प हो जाएंगे और आप इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं यूज़ करेंगे, तो ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन रहता है। मैं यहाँ पे आपको तोड़ के दिखाती हूँ और ये काफ़ी क्रंची हो गए हैं, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अगर हम बिना घी के रोस्ट करते हैं तो वो उतने ड्राई ड्राई से लगते हैं, बट इस केस में आपको वो ड्राई नहीं लगेंगे। नेक्स्ट टिप भी काफ़ी लेंदी है, आप इसको 3-4 टिप एक साथ समझ सकते हैं, बट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको साथ में ही रखा है। इस टिप के थ्रू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक प्रीमिक्स, जिसके थ्रू आप उत्तपम, उपमा और इडली एक ही मिक्सचर के साथ रेडी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी प्रिपरेशन की है। यहाँ पे मैंने नमक लिया है, काजू, राई, थोड़ी सी हरी मिर्च, चना दाल, उड़द दाल, करी पत्ता और साथ में सूजी के साथ इस मिक्सचर को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें मैंने ले लिया है 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। तो कोई भी तेल जो आप यूज़ करते हैं, कोकोनट, मस्टर्ड, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे ये टेम्परिंग, तो ये 1-1 बड़ा चम्मच आप हर चीज़ डाल दीजिए जिस क्वांटिटी में भी आप बना रहे हैं। तो यहाँ पे काजू, करी पत्ता, मिर्च, चना, उड़द दाल, ये सारी जो टेम्परिंग, साउथ इंडियन टेम्परिंग होती है, वो मैंने ऐड की है। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग और 1 बड़ा चम्मच नमक। आप यहाँ पे नमक की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं बट मैं इसमें कम ही रखूँगी, जस्ट एज अ प्रिजर्वेटिव इसमें यूज़ होगा। जब हम कोई भी चीज़ से रेडी करेंगे तब हम नमक एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1.5 कप डाल दिया है इसमें सूजी, और इस टेम्परिंग के साथ हम सूजी को अच्छे से रोस्ट कर देंगे जब तक कि सूजी अच्छे से फूल नहीं जाती। तो यहाँ पर इस तरह से जब हम इसको मिक्स करके रख देते हैं तो इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, सूजी जल्दी ख़राब नहीं होती। और अगर आपका ये मिक्सचर रेडी है तो आप इससे बहुत आसानी से इडली बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं, उत्तपम बना सकते हैं और बहुत ही कम आपका टाइम लगेगा। इस तरह की
मिक्सचर आप बच्चों को हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनको बनाकर दे सकते हैं, अगर आप वॉकिंग है तो भी आप इस तरह के मिक्सचर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं उपमा बना के आपको दिखा रही हूँ, तो मैंने जस्ट कढ़ाई में थोड़ा सा डाला है ऑयल, उसमें मैंने डाल दी है कुछ सब्जियाँ जो भी अवेलेबल होती हैं, आप बिना सब्जियों के भी इसे बना सकते हैं। सब्जियों के भुनते ही इसमें हम सूजी ऐड कर देंगे, सूजी ऑलरेडी भुनी हुई है तो उसको हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसके बाद इसमें जितना हमने सूजी लिया है उसका दोगुना पानी डाल देंगे, और पानी को हल्का सा गर्म करके डालें और उसके बाद जस्ट मिक्स कर दें जैसे हम उपमा बनाते हैं। और यहाँ पे आप नमक एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि पहले हमने जस्ट 1 चम्मच नमक डाला है, और इस तरह से हमारा ये इंस्टेंट उपमा रेडी हो जाएगा, बहुत ही डिलीशियस बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें इस तरह से प्रीमिक्स से बनाकर। जिस तरह उपमा बनाना इस मिक्सचर से बहुत आसान है, उसी तरह इडली भी बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। जस्ट यहाँ पर मैंने इस मिक्सचर को दही के साथ अच्छे से फेंट लिया है और इसे आधा घंटे के लिए ऐसे ही रेस्ट करने दिया है। आप ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो आपको इसमें बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप 1 चम्मच इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दें। और फिर इसको मैंने स्टीम कर लिया है, और स्टीम होने के बाद आप देख सकते हैं कितनी फ्लफ़ी हमारी इडली रेडी हुई है। और इसमें सब्जियाँ मैंने डाली नहीं है, जस्ट धनिया इसमें कट करके ऐड किया है, बाकी जो करी पत्ता की टेम्परिंग वगैरह थी वो इसमें ऑलरेडी थी। तो आप भी इस टिप को ट्राई करें और बहुत सारे ब्रेकफास्ट ऑप्शन इससे आपके बन जाते हैं। टिप नंबर 4, जब भी हम किसी कैसरोल का यूज़ करते हैं और उसमें हमें दही जमाना हो या चपाती रखनी हो, मेरे पास ये प्लास्टिक वाला है, बट अगर आप स्टेनलेस स्टील का भी है जो इंसुलेटेड होता है, उसमें अगर चीज़ें गर्म नहीं हो रही हैं इन केस, तो आप उसमें क्या करें कि कैसरोल को वो अच्छे से वॉश करने के बाद आप उसमें एकदम खौलता हुआ गर्म पानी भर दें थोड़ी देर के लिए, और इसको ऐसे ही लिड लगा कर रख दें। उसके बाद इस पानी को आप गिरा दें और जो भी चीज़ आपको इसमें रखनी है, अगर आप कोई खाना रखना चाहते हैं तो आप खाना रख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें काफ़ी देर तक चीज़ें गर्म रहेंगी। जैसे मैं इस कैसरोल को यूज़ करती हूँ दही जमाने के लिए, तो यहाँ पर मैंने पानी से इसको अच्छे से गर्म पानी से प्रिपेयर कर लिया है, उसके बाद जिस बर्तन में मैंने दही जमाना है वो इसके अंदर रख दिया है, और इसके बाद हम इसको लिड से कवर कर देंगे और बस इस तरह से ये प्रॉपरली इंसुलेटेड हो जाता है, और जो एक कैसरोल गर्म करने का काम करता है वो बहुत इफ़ेक्टिवली ये काम करता है। टिप नंबर 5, जब भी हम नूडल्स बनाते हैं तो नूडल्स काफ़ी स्टिकी स्टिकी हो जाते हैं, नूडल उस तरह के ना हो, तो जैसे ही पानी बॉईल होता है उसमें हम नूडल्स को जब डालें तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा डाल दें ऑयल और थोड़ा सा नमक, जिससे कि नूडल्स में भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। आप ऊपर से कोई भी ऑयल डाल सकते हैं 1 बड़ा चम्मच, इस तरह से ये नूडल एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, और जस्ट एक बॉईल आ जाने पर आप इसको निकाल दें। आप इस टाइम पे गैस बंद कर दें और ऐसे ही इसको नहीं रखें, इसे आप छान लें, चाहे तो आप ठंडे पानी के बोल में भी इसे शिफ्ट कर सकते हैं। मैं नॉर्मली इसको एक जाली वाले बर्तन में छान लेती हूँ और उसके बाद इसके ऊपर ठंडा पानी थोड़ा सा पोर करके, जब ये प्रॉपरली ठंडा हो जाए फिर इसमें ऑयल आप लगा दें। फिर चाहे अगर आप उस दिन नहीं बना रहे हैं नूडल, नेक्स्ट डे बना रहे हैं, तो ऑयल लगे हुए जब नूडल होते हैं उन्हें आप फ्रिज में भी रखेंगे तो वो बहुत अच्छे से रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से छान लिया है, साथ में ऊपर से थोड़ा सा और ऑयल लगा के मैं इनको इसी तरह रख दूंगी, और जब इसके नूडल्स आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, खिले खिले नूडल्स बनते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओवर कुक भी नहीं होंगे इस तरह से, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने नूडल्स रेडी कर दिए हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, खिले खिले बनते हैं, और इस तरह से प्रॉपरली कुक्ड नूडल्स का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो आप भी ये टिप ट्राई कर सकते हैं। टिप नंबर 6, जब भी हम घर पर कड़ा प्रसाद बनाते हैं तो हमें कई बार कंप्लेन रहती है कि हमारा कड़ा प्रसाद बिल्कुल गुरुद्वारे जैसा नहीं बनता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस टिप के थ्रू आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक सिंपल सा रेशियो, जिससे आप कड़ा प्रसाद अगर बनाएंगे तो कड़ा प्रसाद हमेशा ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर जो घी हम लेंगे, जिस भी मेजरिंग कप से आप लें, जैसे मैंने 1/3 कप लिया है घी, तो इसमें 1/3 कप ही मैं आटा ऐड कर रही हूँ। तो आटा, घी, चीनी, ये तीनों चीज़ें आप एक ही कप से नापें, और जो उसमें पानी ऐड करें वो उसका 3 गुना ऐड करें, तो आपका कड़ा प्रसाद बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, उसका रेशियो परफेक्ट रहेगा, टेक्सचर परफेक्ट आएगा और टेस्ट तो अमेजिंग रहता ही है। तो यहाँ पर जब हम इसको भून रहे हैं तो इस टाइम पे हम ध्यान रखें कि जितना डार्क कलर आप चाहते हैं अपने कड़ा प्रसाद का, उतना से एक लेवल नीचे रखें,
चीनी डालने से पहले। तो आप देख सकते हैं अभी लाइट है थोड़ा सा कलर, जब चीनी हम डालेंगे तो वो उसमें कैरमलाइज हो जाएगी और कैरमलाइज होने की वजह से कलर भी डार्क हो जाएगा। फिर बस आप पानी ऐड करें 3 गुना और आपका कड़ा प्रसाद रेडी है। ये सिंपल सा रेशियो फॉलो करें, आपका कड़ा प्रसाद बहुत ही यमी बनेगा। टिप नंबर 7, जब भी हम मिर्ची का अचार बनाते हैं, चाहे वो लाल हो, हरी हो या पतली वाली मिर्चें हो, तो कई बार हम उनके डंठल जब यूज़ करते हैं अचार में, तो आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जब भी हम मिर्चों को स्टोर भी करते हैं तो उनका डंठल हटा देते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही चीज़ ख़राब होने वाली होती है मिर्ची में। तो अगर डंठल हटा देते हैं तो उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो पिकल में भी आप सेम मेथड अप्लाई करें। यहाँ पर आप जब भी अचार बनाएं तो उसकी जो डंठल वाला पार्ट है उसे आप हटा दें। उसके बाद आप अंदर अगर कम तीखा खाना चाहते हैं तो मिर्ची के ये बीज हटा सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी अचार को बना सकते हैं। इस तरह से जब आप मिर्च का अचार बनाते हैं तो आपको इसको फिल करना बहुत आसान रहता है, साथ ही डंठल नहीं है तो इसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप ये टिप्स ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरह से थी मेरी आज की ये टिप्स, और इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलती हूँ आपको किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।